हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। मेरा नाम है प्रबल प्रताप एंड आई वेलकम यू ऑल टू द वेरी फर्स्ट माइक्रो लेक्चर ऑफ काइनेमेटिक्स 1D, जिसे हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन भी कहते हैं, ऑन अरी विहार। सो अ प्लेटफॉर्म विद पर्सनलाइज्ड एंड इंटरैक्टिव लेक्चर्स। सो आज से हम लोग बच्चों शुरू करने जा रहे हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो इस चैप्टर में हम लोग एकदम बेसिक से पढ़ने वाले हैं और एकदम प्रो लेवल तक मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। ऐसा कह सकता हूँ यार मैं कि अगर आप लोग फिलहाल इस चैप्टर में जीरो भी हो तो इस चैप्टर के सभी माइक्रो लेक्चर्स खत्म होने तक आप लोग हीरो बन के बाहर निकलने वाले हो। ठीक है भाई, तो शुरू करते हैं अभी हम हमारे चैप्टर को मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो क्योंकि हम लोग एकदम बेसिक से पढ़ने वाले हैं तो सबसे पहले तो हमें यह समझना जरूरी है कि ये जो मोशन इन स्ट्रेट लाइन हम कह रहे हैं, इसमें इस मोशन का मतलब क्या है। बहुत आसानी से हम कह देते हैं कि हाँ ये ऑब्जेक्ट मोशन में है, ये रेस्ट में है, लेकिन हम कहना क्या चाहते हैं, डेफिनेशन क्या है किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में कहे जाने की। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं सड़क किनारे खड़ा हुआ हूं, है ना, आई एम स्टैंडिंग ऑन रोड साइड और रोड पे एक कार निकल के जाती है। फॉर एन एग्जाम्पल, एक कार निकल के आई है, ये निकल के जा रही है। तो अगर आप लोगों से कोई पूछे कि ये कार रेस्ट पे है या मोशन में है, तो आप लोग बहुत आसानी से जवाब दे दोगे, सर कैसी बात पूछ रहे हो, ये तो कार मोशन में है। सो अगर टेक्निकली देखी जाए तो क्या डेफिनेशन है मोशन की, वो मैं आप लोगों को बताता हूं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू टाइम अपनी पोजिशन को चेंज कर रहा हो तो हम कह सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में होगा। फॉर एन एग्जाम्पल, इस कार का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्योंकि इसी से हम लोग समझ रहे थे कि ये कार ऐसे चल रही थी तो हमने कह दिया था कि हाँ ये कार मोशन में है। क्यों? टेक्निकली समझते हैं, क्योंकि ये कार विद रेस्पेक्ट टू टाइम अपनी पोजिशन को चेंज कर रही थी। इसका मतलब क्या है विद रेस्पेक्ट टू टाइम पोजिशन को चेंज करना, मतलब टाइम के साथ साथ अपनी पोजिशन को ही बदल रही थी। तो वी कैन सी दैट कि विद रेस्पेक्ट टू टाइम ये कार अपनी पोजिशन बदल रही है। देखो अभी नई पोजिशन पे, अब किसी और पोजिशन पे, अब किसी और पोजिशन पे। इसलिए हम कह पाए कि कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में तब कहलाएगा जब वो अपनी पोजिशन को विद रेस्पेक्ट टू टाइम चेंज कर रहा हो। अगर नहीं कर रहा होगा तो मोशन में नहीं है, रेस्ट पे है कि नहीं। लेकिन एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में होगा या रेस्ट पे होगा ये डिपेंड करता है कि हम उसे देख कहां से रहे हैं। यह डिपेंड करता है कि हम उसे कहां से देख रहे हैं। आई बात समझ में? फॉर एन एग्जाम्पल कि जब यह कार चल रही थी और मैं रोड साइड पे था, तो जब मैं इस कार को देख रहा था तो इस कार के दरवाजे, इस कार की सीट्स, इस कार का स्टीयरिंग सब कुछ विद रेस्पेक्ट टू टाइम मूव कर रहा था, इसलिए मैंने बहुत आसानी से कह दिया कि हां यह कार मोशन में है। लेकिन अगर मैं उस ऑब्जर्वर की बात करूं जो ऑब्जर्वर इस गाड़ी के अंदर बैठा हुआ है, वो ऑब्जर्वर जो इस कार के अंदर बैठा हुआ है, तो उसके लिए तो ये कार की सीट्स, कार के गेट्स, स्टीयरिंग सब कुछ रेस्ट पे है। विद रेस्पेक्ट टू टाइम उसके लिए तो ये कार की सीट्स और दरवाजे मूव ही नहीं कर रहे, क्योंकि वो खुद भी उसी स्पीड से मूव कर रहा है। लॉजिक तो ये है, लेकिन कर तो नहीं रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू टाइम उसके लिए कार। अगर मैं खुद अपनी कार चला रहा हूं तो मेरी कार के लिए जब मैं अंदर बैठा हूं तो वो जो स्टीयरिंग है वो विद रेस्पेक्ट टू टाइम रेस्ट पे ही है मेरे लिए। तो इस एग्जाम्पल से हम ये समझ सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में होगा या रेस्ट पे होगा ये डिपेंड करता है कि हम उसे कहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये जो चीज अभी हमने डिस्कस की इसी को हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर के एंड में अगेन, जिसमें हम कहते हैं रिलेटिव मोशन। तो हम दोबारा पढ़ेंगे डिटेल में, फिलहाल अभी अपन आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं बहुत बेसिक चीज के साथ, जो टर्मिनोलॉजी सबसे पहले हमने समझी कि व्हाट डू वी मीन बाय मोशन, है ना। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू टाइम अपनी पोजिशन को चेंज कर रहा है तो यस दैट ऑब्जेक्ट इज ए मोशन। और अब कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज आप लोगों से इस चैप्टर में पूछी जाती है, जैसे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, रिलेटिव मोशन। ये कुछ टॉपिक्स हैं ओवरऑल जिसमें हम कह सकते हैं कि अगर ये टॉपिक्स हम लोग कवर करते हैं तो हाँ मोशन इन स्ट्रेट लाइन हमारा कवर अप हो गया है। तो एक तरीके से मैं ऐसा कह सकता हूं कि मैंने आप लोगों को बता दिया है कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की ना सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं यार कि डेफिनेशन क्या है। तो सबसे पहले डिस्टेंस की देखते हैं, और ये चीजें बिल्कुल भी नई नहीं है यार आप लोगों के लिए, क्योंकि ये टॉपिक डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पूरा का पूरा मोशन इन स्ट्रेट लाइन आप लोग क्लास 9th में पढ़ के आए हो, 9th पास करके बैठे हुए सब इस क्लास में, है ना।
आई एम डैम श्योर अबाउट दैट, है ना। ऐसा तो नहीं है भाई कोई नाइन्थ क्लास में फेल हो गया है और इधर आके बैठ गया अभी पढ़ने के लिए, है ना। तो नाइन्थ क्लास में टॉपिक आप लोगों ने जरूर पढ़े होंगे कि भैया जी डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो बड़ी आसान सी डेफिनेशन है डिस्टेंस की, एक बार पढ़ लो आप लोग भी। दैट डिस्टेंस इज लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ पार्टिकल टू रीच फ्रॉम वन पॉइंट टू अनादर इन गिवन टाइम। आसान भाषा में अगर इसको हम समझें तो डिस्टेंस क्या है यार, डिस्टेंस है अगर सपोज करो मुझे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना है तो जो भी रास्ता मैं कवर करूंगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए उस रास्ते की लंबाई कितनी है, द लेंथ ऑफ दैट पाथ। जो भी पाथ मैंने चूज किया है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के लिए उसकी लेंथ क्या है, उसको मैं कहूंगा डिस्टेंस। बहुत आसान, बहुत ही ज्यादा आसान चीज। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है ये भी समझ लेते हैं। आओ, व्हाट डू वी मीन बाय डिस्प्लेसमेंट। एक तो है वो डेफिनेशन जो आप लोगों ने क्लास नाइन्थ में पढ़ी होगी, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन, है ना। दूसरी डेफिनेशन क्या है, चेंज इन द पोजिशन वैक्टर, चेंज इन द पोजिशन वैक्टर ऑफ पार्टिकल, अ वैक्टर ज्वाइनिंग इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन ऑफ पार्टिकल। पहली डेफिनेशन आप लोगों को आसानी से समझ में आ गई होगी, दूसरी डेफिनेशन थोड़ी देर बाद अपन समझेंगे। परेशान नहीं होना आपने को बिल्कुल भी कि क्या इनिशियल फाइनल पोजीशन वेक्टर वगैरह ये सब क्या आ गया है सर अभी सही। अरे रुको जरा, ठहरो, समझाएंगे सब कुछ, ठीक है। चलो जी, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन में एक बहुत आसान तरीके से आप लोगों को ऐसे समझाना चाहूंगा कि एक बात समझो कि फॉर एन एग्जाम्पल मेरे पास दो पॉइंट है, This, let it be point A, और इसको मैं बोल देता हूं point B। एक छोटा सा सवाल जिसका आप सभी लोग बहुत आराम से जवाब दे पाएंगे वो है ये कि point A और point B के बीच में कितने ऐसे रास्ते हैं जिनसे मैं point A से B तक जा सकता हूं। और आसान भाषा में कहूं तो ऐसे कह सकता हूं यार कि point A से point B तक जाने के कितने रास्ते हैं। बहुत आसान, बहुत ही ज्यादा आसान। कितने? एक, दो, इन्फाइनाइट। क्या मतलब? अच्छा एक बात बताओ, फाइनाइट है कि इन्फाइनाइट है? देयर आर इनफाइनाइट पाथ्स टू रीच बी फ्रॉम ए। जेबा, अरे इधर देखो यार, इधर आओ। ए से बी जाने के बहुत सारे रास्ते हैं। मैं यहां से जा सकता हूं, मैं ऐसे जा सकता हूं। अरे मेरी मर्जी, मैं पहले पूरी दुनिया घूमू उसके बाद पॉइंट पे आऊं, मेरी मर्जी। तो देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेज जिससे मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जा सकता हूं। तो इन इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेज में से जो भी रास्ता मैं चूज करूंगा उस रास्ते की लेंथ कितनी है वो हो जाएगा मेरा डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट क्या होगा ना यार कि ए से बी तक जाने के इनफाइनाइट नंबर ऑफ रास्ते तो है, लेकिन उन सभी रास्तों में से सबसे छोटा रास्ता कौन सा है उसकी लेंथ कहलाएगी डिस्प्लेसमेंट। अगेन मैं पॉइंट ए और बी ड्रॉ कर देता हूं कि ये रहा हमारा पॉइंट ए, ये रहा पॉइंट बी। अब इस पॉइंट ए और पॉइंट बी तक, इस पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के कितने रास्ते हैं? बहुत सारे। लेकिन अगर मैं सबसे छोटे रास्ते की बात करूं, तो वो ये वाला रास्ता है जो स्ट्रेट लाइन ए से बी को कनेक्ट करेगी। इसी को मैं आपको एक ग्राफिक की हेल्प से दिखाता हूं। आओ इधर देखो, ये रही हमारी इनिशियल पोजीशन जिसको हम पॉइंट ए कह रहे थे। ये हो गया हमारा पॉइंट ए, ये हो गया हमारा पॉइंट बी। पॉइंट ए से बी तक आने के देर वर इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेज, लेकिन हमने एक रास्ता बनाया, ठीक है, सरकार ने एक सड़क बना दी एक गांव से दूसरे गांव के बीच में, और वो सड़क कौन सी है? वो सड़क है ये वाली जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं। ये वो सड़क है जो कि सरकार ने बनाई है यहां से वहां जाने की, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक की। तो अगर कोई इस सड़क पे से चल के आता है तो वो जितनी भी लेंथ कवर करेगा वो हो जाएगा उसका डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? सबसे छोटा रास्ता। सबसे छोटा रास्ता क्या है ए से बी के आने का? डायरेक्ट रास्ता, सीधी लाइन। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ए से बी तक आने के लिए जो सबसे छोटा रास्ता है वो हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट। आई थिंक ये चीज आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। कुछ और एग्जांपल्स भी अपन ले लेते हैं। आओ यहां पे आप लोगों को स्क्रीन पे एक कीड़ा दिख रहा होगा, एक बग, जो कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जा रहा है।
तो इस GIF में आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये जो ब्लू कलर से मार्किंग होती जा रही है, ये वो रास्ता है जो इस कीड़े ने ए से बी तक जाने के लिए चूज किया। ये पहले ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे 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 करके ये पॉइंट बी तक जा रहा है। ये वो रास्ता है जो कि पॉइंट उस कीड़े ने ये वो रास्ता है जो कि कीड़े ने कवर करने के लिए चूज किया है। आई बात समझ में? और अगर बात करूं रेड कलर वाली लाइन की, आप लोग देख सकते होंगे एक स्ट्रेट लाइन है पॉइंट ए से लेके उस बग तक की, क्योंकि जो भी फाइनल पोजीशन पे वो कीड़ा है उस पॉइंट ए से उस पॉइंट बी तक के लिए वो सबसे छोटा रास्ता जो होगा वो रेड लाइन आप लोगों को शो कर रही है। तो यहां से आप लोग थोड़ा और अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि व्हाट इज डिस्टेंस एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। आई बात समझ में? चलो आगे की बात करते हैं। तो आगे अब मैं चाहूंगा कि आप लोग एक क्वेश्चन सॉल्व कर दो फटाफट मेरे साथ साथ, है ना? बहुत आसान सा सवाल है, मिलके सॉल्व करते हैं इसको। आओ, क्वेश्चन क्या कह रहा है एक बार अच्छे से पढ़ लो। सवाल कह रहा है, अ मैन हैज टू गो 50 मीटर ड्यू नॉर्थ, 40 मीटर ड्यू ईस्ट एंड 20 मीटर ड्यू साउथ टू रीच अ फील्ड। पहला पार्ट जो सवाल ने पूछा है वो है दैट व्हाट डिस्टेंस ही हैज टू वॉक टू रीच द फील्ड। सेकेंड पार्ट उसने पूछा है व्हाट इज हिज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम हिज हाउस टू द फील्ड। आओ फटाफट से सॉल्व करते हैं, है ना? सॉल्यूशन देखते हैं इस सवाल का। कि मेरे पास एक आदमी है जो कि पहले शुरुआत में 50 मीटर नॉर्थ में चलता है। अब डायरेक्शंस मार्क कर लेते हैं सबसे पहले, हम हमारी आसानी के लिए आ जाओ इधर। ये हो गया हमारा नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया हमारा वेस्ट। ठीक है, सपोज करो पार्टिकल ने यहां से मूव करना स्टार्ट किया। पार्टिकल ने अगर यहां से मूव करना स्टार्ट किया है तो सबसे पहले वो गया है 50 मीटर नॉर्थ में, 50 मीटर नॉर्थ में गया है। ये लो भी 50 मीटर नॉर्थ में चला गया। ठीक है, सेकेंडली वो 40 मीटर ईस्ट में गया है, तो ईस्ट डायरेक्शन में 50 मीटर सॉरी 40 मीटर वो कुछ इस तरीके से गया। एंड 20 मीटर वो गया है साउथ में, 20 मीटर देन वो गया साउथ में। तो इसकी एक बार मार्किंग्स भी कर लेते हैं हम, ताकि हमारे लिए समझने में थोड़ा आसान हो जाएगा यार। और तो कुछ नहीं, ये हो गया 50, ये हो गया 40 और ये हो गया हमारा 20। ठीक है, चलो डिस्टेंस पूछा है सबसे पहले। डिस्टेंस क्या है? जो भी रास्ता उसने कवर किया है उसकी एक्चुअल लेंथ क्या है? जो भी रास्ता उसने कवर किया है उसकी एक्चुअल लेंथ क्या है? एक्चुअल लेंथ पहले 50 चला, देन 40 चला, देन उसके बाद 20 चला, तो 50 प्लस 40 90 प्लस 20 110। तो डिस्टेंस तो क्या हो जाएगा बेटा? डिस्टेंस तो हो जाएगा हमारे पास 50 प्लस 40 प्लस 20, जो कि हो जाएगा 110 मीटर, क्योंकि जो भी रास्ता उसने कवर किया है उसकी एक्चुअल लेंथ तो 110 मीटर ही निकल गया। आई बात समझ में? सेकेंडली उसने पूछा व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम हिज हाउस टू द फील्ड। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, क्या थी डेफिनेशन? कि जो सबसे छोटा रास्ता है इनिशियल से फाइनल पोजिशन तक जाने का, वो हो जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट। तो आओ डिस्प्लेसमेंट मार्क करते हैं। देखो यार, इसकी इनिशियल पोजिशन थी ये वाली पॉइंट ए, फाइनल पोजिशन थी बी। अगर सबसे छोटे रास्ते की बात करूं तो सबसे छोटा रास्ता तो मुझे ये कहता है कि भाई साहब आप पॉइंट ए से पॉइंट बी तक सीधा स्ट्रेट लाइन खींच दो। सबसे छोटा रास्ता तो क्या है? ये रहा सबसे छोटा रास्ता। इसकी लेंथ कितनी होगी ये निकाल लेते हैं, हमारा आंसर आ गया। आओ निकालते हैं। तो इसकी लेंथ कैलकुलेट करने के लिए थोड़ी सी ज्योमेट्री का इस्तेमाल करेंगे अपन, है ना? ये एक ट्राइंगल बन गया मेरे पास। ठीक है, ये लेंथ 20 है, तो यहां से लेके यहां तक की लेंथ भी 20 होगी, और ये कंप्लीटली क्योंकि 50 है तो ये लेंथ हो जाएगी 30, है ना? यहां से लेके यहां तक की ये जो लेंथ होगी ये 30 हो जाएगी। अगर ये 40 है तो ये लेंथ भी 40 हो जाएगी। पाइथागोरस थ्योरम आप लोगों ने पढ़ी होगी, है ना? और एक फेमस ट्राइंगल है हमारा जिसके पाइथागोरस ट्रिपलेट भी हम उसको बोलते हैं, 3, 4 और 5 का। तो यहाँ पे मेरे पास 30, ये है 40, और इसमें अगर आप लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो इसमें आपके पास निकल के आएगा 50 मीटर। तो अगर मैं बात करूं इसके डिस्प्लेसमेंट की, डिस्प्लेसमेंट कम्स आउट टू बी 50 मीटर। दैट्स इट, खत्म हो गया भाई सवाल। आई थिंक अब आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। वेरी गुड, चलो एक और सवाल करते हैं फिर। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर, फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट हैज कंप्लीटेड अ राउंड ऑफ द सर्कल। बहुत आसान सवाल है।
एक सर्कल कंप्लीट कर रहा है पार्टिकल, है ना, पार्टिकल अगर एक सर्कल कंप्लीट कर रहा है तो अपन ऐसे कंसिडर कर लेते हैं कि दिस इज आर सर्कल जो पार्टिकल ने कंप्लीट किया है, ठीक है। और पार्टिकल ने, मैं बोल देता हूं कि यहां से शुरुआत की होगी इस पॉइंट से, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है जब पार्टिकल पूरा एक चक्कर लगा लेगा, ठीक है ना। तो पार्टिकल ने यहां से शुरुआत किया, पार्टिकल गया 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 गया, सपोज करो पार्टिकल अगर यहां से शुरू किया है मूव करना, तो जब वो इस पाथ को कवर करते हुए, सर्कुलर पाथ को कवर करते हुए वापस इसी पोजिशन पे आ जाएगा, तो डिस्टेंस तो हमारा पाथ की लेंथ है, तो पाथ इसने कवर किया है सर्कुलर, तो पाथ की लेंथ क्या हो जाएगी, जो भी इस सर्कुलर पाथ की लेंथ होगी वो पाथ की लेंथ हो जाएगी, यानी कि 2 पाई आर। इस सर्कल का रेडियस अगर मैं बोल दूं कि आर है, तो डिस्टेंस तो कितना हो जाएगा, डिस्टेंस तो आ जाएगा हमारा 2 पाई आर, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा ये बताओ, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, इसकी वैल्यू बताओ फटाफट। आई थिंक द डिस्प्लेसमेंट इज 2। अरे जीरो होगा ना यार। अच्छा एक बात बताओ, डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, इनिशियल और फाइनल पोजिशन के बीच में सबसे छोटा रास्ता। अब अगर पार्टिकल घूम ही सर्कल में रहा है तो उसकी इनिशियल पोजिशन और फाइनल पोजिशन तो सेम ही हो गई ना भैया। और अगर इनिशियल और फाइनल पोजिशन अगर सेम हो गई, मतलब सबसे छोटा डिस्टेंस जो इनिशियल और फाइनल पोजिशन के बीच का होगा वो तो जीरो हो गया ना भाई, खत्म, समाप्त, खत्म। डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा हमारा, जीरो। तो आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, आओ एक और सवाल है आप लोगों के लिए। सवाल कह रहा है, अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर, फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट इज मूव्ड फ्रॉम ए टू बी। एक पार्टिकल है जो कि अगेन सर्कल में मूव कर रहा है, और वो पार्टिकल ए से बी पे मूव करके आया है फॉलोइंग द सर्कल। मतलब उसका पाथ अगर मैं डिस्क्राइब करना चाहूं आपको, इसका पाथ कुछ ऐसा है, ए से मूव करना स्टार्ट किया है और ये आया है बी तक इस पाथ पे। आई बात समझ में, चलो। और हमसे इसने पूछा है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बताओ। अगेन डिस्टेंस क्या है भैया जी, जो भी पाथ कवर किया है उसकी एक्चुअल लेंथ। पाथ इसने कवर किया है मरून हाइलाइटर वाला, तो पाथ सर्कल का 1/4 है ना, तो डिस्टेंस तो कितना हो जाएगा, डिस्टेंस तो हो जाएगा 2 पाई आर डिवाइडेड बाय 4। सर्कल की पूरी जो लेंथ है उसका 1/4 है, तो 2 पाई आर बाय 4 यानी ये हो जाएगा पाई आर बाय 2। और अगर बात करूं आप लोगों से डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट तो सबसे छोटा रास्ता है। सबसे छोटा रास्ता कौन सा होगा, सबसे छोटा रास्ता होगा ए से बी तक ये डायरेक्ट चल के आ जाता। दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ, ए और ये बी। अभी ये ऐसे घूम के आया है, ए से बी ये एकदम स्ट्रेट लाइन में आ सकता था, तो वो सबसे छोटा रास्ता है। तो सबसे छोटा रास्ता कितना लंबा हो जाएगा, ये लेंथ है आर, ये लेंथ है आर, तो अकॉर्डिंग टू अगेन पाइथागोरस थ्योरम ये आर है, ये आर है, तो ये कितना हो जाएगा रूट टू आर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, रूट टू आर, एंड दैट्स द फाइनल आंसर टू दिस क्वेश्चन। आई होप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मेजर डिफरेंस है क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। ओके, तो सबसे पहले डिफरेंस की अगर मैं आप लोगों से बात करूं, तो डिस्टेंस के लिए हम कह सकते हैं कि यार इट इज द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवर्स्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन अ सर्टेन टाइम। यही डिफरेंसेस पढ़ते टाइम हम लोग इसकी यूनिट्स भी देख लेंगे और ये भी जानेंगे कि ये स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। चलो, डिस्प्लेसमेंट क्या है, इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन, इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन इन अ सर्टेन टाइम, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द फाइनल एंड इनिशियल पोजिशंस। आई थिंक ये बात आप सभी लोगों को क्लियर हो चुकी है। इतने सारे जो एग्जाम्पल्स हमने डिस्कस किए हैं, जो क्वेश्चन अभी हम लोगों ने सॉल्व किए हैं, आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस जो है स्केलर क्वांटिटी, आई होप इतनी बात आप सभी लोगों को पता है कि वॉट डू वी मीन बाय स्केलर एंड वैक्टर क्वांटिटीज, वॉट डू वी मीन बाय स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटीज क्या होती है, जिनके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। आई बात समझ में, जैसे कि मास, जैसे कि टाइम, हमें टाइम बताना नहीं पड़ता कि 2 बज गए हैं इधर के डायरेक्शन में, 2 बज गए हैं उधर के डायरेक्शन में, हमें बताना नहीं पड़ता। आई बात समझ में, उसको डिफाइन करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है। अगर बात करूं आप लोगों से डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है,
वो क्वांटिटीज जिनको डिफाइन होने के लिए डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड की भी जरूरत होती है, जिनको डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड की भी जरूरत होती है उनको हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। आगे बात करते हैं, डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्स बाय द ऑब्जेक्ट इन अ सर्टेन टाइम। अगेन डिस्प्लेसमेंट क्या है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट। जैसा कि अपन लोगों ने शुरुआत में बात की थी कि ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने के इनफाइनाइट नंबर ऑफ रास्ते हैं, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ अगर रास्ते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली उनकी लेंथ भी अलग अलग है। हाँ, कुछ रास्तों की लेंथ सेम हो सकती है कोइंसिडेंटली, लेकिन अगर बहुत सारे अलग अलग रास्ते हैं तो उनकी लेंथ अलग अलग हो सकती है। तो जो भी रास्ता आप चूज करके आओगे उसी के अकॉर्डिंग आपका डिस्टेंस मेजर होगा, और अलग अलग रास्ते के अकॉर्डिंग अलग अलग डिस्टेंस मेजर हो सकता है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो हमने पहले ही बोल दिया कि ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच का सबसे छोटा रास्ता है, तो सबसे छोटा रास्ता तो सिर्फ एक ही हो सकता है जो सबसे छोटा होगा। आई बात समझ में? चलो, सो इट डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ फॉलोड। कोई सा भी रास्ता मैं कवर करके आऊं, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक के लिए मैं कैसे भी घूम के आऊं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो सबसे छोटा वाला रास्ता है। आई बात समझ में? गुड, आगे की बात समझते हैं। डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, बनता भी है क्योंकि डिस्टेंस क्या है, लेंथ है, और लेंथ तो हमेशा पॉजिटिव ही होती है ना बेटा, है ना। इस पेन की लंबाई अगर आपसे पूछूंगा तो आप कहोगे सर लगभग 10 सेंटीमीटर है। अब अगर आपसे कोई कहे माइनस 10 सेंटीमीटर, सीरियसली, मतलब नेगेटिव तो हो नहीं सकती लेंथ, लेकिन हाँ डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है। क्यों सर? डिस्प्लेसमेंट भी तो लेंथ है, फिर वो नेगेटिव कैसे हो सकती है बेटा? डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी जब नेगेटिव होगा तो वो नेगेटिव साइन इसके मैग्नीट्यूड के साथ एसोसिएटेड नहीं है, वो नेगेटिव साइन इसके जस्ट एक डायरेक्शन को शो करेगा। जस्ट फॉर एन एग्जांपल सपोज करो ये ओरिजिन है, ये वाला डायरेक्शन मैंने कह दिया कि मैं पॉजिटिव कंसिडर करूंगा, ये वाला डायरेक्शन मैंने कह दिया मैं नेगेटिव कंसिडर करूंगा। तो सपोज अगर मेरा पार्टिकल राइट हैंड साइड डायरेक्शन में मूव करता है 5 मीटर के लिए, तो मैं बोलूंगा डिस्प्लेसमेंट मेरा +5 मीटर है, और अगर वो लेफ्ट हैंड साइड में मूव करता है 5 मीटर के लिए तो मेरा डिस्प्लेसमेंट होगा -5 मीटर। वो माइनस साइन क्या दिखा रहा है कि वो लेफ्ट हैंड साइड में मूव किया है। आई बात समझ में? गुड, अगेन डिस्टेंस पॉजिटिव है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो भी हो सकता है। आई बात समझ में? अगेन डिस्प्लेसमेंट जीरो होने के अलग अलग तरीके हैं, उनको मैं अभी थोड़ी देर में आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूं, पहले अपन आगे का पार्ट देखते हैं। चलो, सो डिस्टेंस के बारे में हम कह सकते हैं इट कैन बी मोर देन और इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट के लिए हम कह सकते हैं इट्स मैग्नीट्यूड कैन बी लेस देन और इक्वल टू द डिस्टेंस। अगेन वेरी सिंपल थिंग कि डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट से बड़ा हो सकता है या बराबर हो सकता है। कैसे? डिस्प्लेसमेंट बेटा सबसे छोटा रास्ता है, तो अगर पार्टिकल उस सबसे छोटे रास्ते को ही कवर करके आया होगा तो पार्टिकल का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम ही हो जाए, क्योंकि जो सबसे छोटा रास्ता था उसी पे पार्टिकल मूव करके आया, तो जो भी पाथ पे वो मूव करके आया है उसकी लंबाई डिस्टेंस होती है, और अगर वो सबसे छोटे रास्ते को ही कवर करके आया तो वो लंबाई डिस्प्लेसमेंट ही तो हो गई ना बेटा। आई बात समझ में? तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट उस केस में सेम हो जाएंगे। हाँ, अगर कोई लंबा रास्ता चूज करके आएगा तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा, लेकिन हाँ ऐसा कभी नहीं हो सकता कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से छोटा हो जाए। हम डिस्प्लेसमेंट को सबसे छोटा रास्ता कह रहे हैं, तो उससे छोटा रास्ता तो एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता ना, तो डिस्टेंस तो डिस्प्लेसमेंट से छोटा हो ही नहीं सकता कभी भी। आई बात समझ में? हाँ, डिस्प्लेसमेंट के लिए हम ये कह सकते हैं इट्स मैग्नीट्यूड कैन बी लेस देन और इक्वल टू द डिस्टेंस। चलो, अब आते हैं हम उस पॉइंट के ऊपर जब मैं आप लोगों से कह रहा था कि पार्टिकल जो है उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो होने के दो तरीके हैं। दो तरीके कौन से? पहला तरीका तो ये कि सपोज करो अगर मेरा पार्टिकल यहां पर बैठा हुआ है और वो पार्टिकल यहां से मूव कर ही नहीं रहा, मतलब पार्टिकल यहां बैठा हुआ है और पार्टिकल इससे ना तो आगे बढ़ रहा है ना पीछे, मतलब कहीं जा ही नहीं रहा, बस वो यहीं बैठा हुआ है, तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस ऑटोमेटिकली जीरो हो गया। दूसरा तरीका क्या है कि पार्टिकल कहीं भी जाए, है ना, पार्टिकल कहीं भी जाए लेकिन घूम के वापस अपनी इनिशियल पोजिशन पे अगर आ जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट उस केस में भी जीरो होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन। तो जब पार्टिकल की इनिशियल और फाइनल पोजिशन ही सेम हो जाएगी तो उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, लेकिन हाँ उस केस में डिस्टेंस जीरो नहीं होगा, क्योंकि पार्टिकल कुछ तो मूव करके आया ही है। पार्टिकल अगर कुछ मूव करके आया है तो उसका डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता।
अगर पार्टिकल अपनी पोजीशन से आगे निकल जाता है और अगर वापस पीछे आने की कोशिश भी अगर करता है तो हाँ डिस्प्लेसमेंट तो डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि उसकी फाइनल पोजीशन फिर से इनिशियल पोजीशन के पास आती जाएगी जैसे जैसे वो वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पे आता जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट रिड्यूस होता जाएगा। लेकिन डिस्टेंस अगर एक बार बढ़ गया तो बढ़ गया, उसके बाद वो कभी भी रिड्यूस नहीं होगा। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि डिस्टेंस वो बंदूक से निकली हुई गोली है, वो मुंह से निकली हुई बोली है, और वो धनुष से निकला हुआ बाण है जो एक बार अगर चल गया तो चल गया। तो इसी को अपन एक वीडियो से भी समझने की कोशिश करते हैं। आओ जैसे कि पार्टिकल को अगर मैं यहां देख पा रहा हूं, पार्टिकल की स्टार्ट पोजिशन है 0 मीटर। अगर वहां से वो आगे जा रहा है उसका डिस्टेंस की वैल्यू बढ़ती जा रही है। जब वो लौट के वापस अपनी इनिशियल पोजिशन पर जाता जा रहा है तो उसका डिस्टेंस अगेन बढ़ रहा है ना कि घट रहा है। लेकिन अगर मैं बात करूं इन द केस ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट के केस में क्या होगा कि जब पार्टिकल आगे जा रहा है तो उसका डिस्प्लेसमेंट यूनिट मतलब वैल्यू के साथ लिख के डायरेक्शन आ रहा है राइट हैंड साइड पे, और जब वो वापस अपनी इनिशियल पोजिशन की तरफ जाता जा रहा है तो उसका डिस्प्लेसमेंट वापस रिड्यूस होता जा रहा है बिकॉज पार्टिकल अपनी इनिशियल पोजिशन के पास आता जा रहा है, इसलिए उसका डिस्प्लेसमेंट अगेन डिक्रीज होता जाएगा। और इसी वीडियो में आप लोग देख सकते हो कि एंड में आप लोगों को बोला जा रहा है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सो द नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। सो द नेक्स्ट टॉपिक विल बी स्पीड एंड वेलोसिटी। सो आज के माइक्रो लेक्चर को हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। आई होप आप सभी लोगों को डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट काफी अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। सो थैंक यू सो मच, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट माइक्रो लेक्चर ऑफ काइनेमेटिक्स।